चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, रविंद्र सिंह से, जिनकी की ऑल इंडिया रैंक 257 है और जो कि बरेली यूपी से हैं। तो रविंद्र सिंह को अभी एनआईटी कैलिकट अलॉट हुआ। तो रविंद्र, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए और एनआईटी कैलिकट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ, रविंद्र के बारे में, रविंद्र ये जो सेशन मैं लेता हूँ, ये हर स्टूडेंट का सेशन बहुत अलग होता है, हर स्टूडेंट अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करता है। आप क्योंकि यूपी बरेली से हैं और आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है और आपने घर पर रह के इतने अच्छे से पढ़ाई की, इतनी अच्छी रैंक मिली, तो मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले, मतलब दो तीन चीजें होती हैं जो अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं। एक तो ये कि आपने निमसेट के लिए कब प्लान किया था, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, किस तरह से प्रिपरेशन की, आपका स्कोर क्या था और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई फाइनल ईयर के साथ और उनको आपने कैसे फेस किया, कैसे दूर किया और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। हाँ जी सर, सबसे पहले आई एम रविंद्र सिंह, आई डिड माय बीएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम बरेली कॉलेज और मैंने अपना अपेयरिंग के साथ ही निमसेट दिया था। और सबसे ज्यादा मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने सेल्फ स्टडी से करा था और मैंने जून में तैयारी शुरू करी। और सेल्फ स्टडी में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इस वजह से मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेन प्रॉब्लम बन जाती है। मेरे साथ भी हुआ, मैंने जून में स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी, मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स करी साथ में और साथ में कॉलेज जाना पड़ता था, तो रेगुलर के 3 to 4 hours में निकाल लेता था शुरुआत में। बाद में तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था तो मैं 6 to 7 hours भी लेता था कॉलेज के साथ में, कॉलेज की स्टडीज के साथ में। तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी कर ली मैथमेटिक्स की। फिर अब हुआ ये था कि मैंने एक बार एनसीईआरटी कर ली, मैंने फॉर्मुला नोट्स भी अपने बना लिए। अब उसके बाद इस सब में मेरे को, उसके बाद मैंने आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव सीरीज बुक करी थी राइट, और मेरे को एटलीस्ट आप मान चलिए दिसंबर तक मेरे जाके फर्स्ट टाइम बस वो ऑडिशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाई है। इतना कंसिस्टेंसी में मेरा गैप आ गया और बीच में अब एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता कि इतना ज्यादा मेरे साथ ये हो गया था कि दिसंबर तक जाके मेरी फर्स्ट टाइम ऑडिशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुई थी। उसके बाद फिर मैंने जनवरी में, 1 जनवरी को या फिर 2 जनवरी के आसपास मैंने इम्पेटस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज इज द मेन थिंग। अगर आप टेस्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ बुक्स लगा कर रहेंगे, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनका इस बार सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी नहीं, सेल्फ स्टडी से करा, उन्होंने कहा कि रविंदर कर रहा है हम भी कर ले रहे हैं, ये तो ऐसी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। अब जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तब मुझे पता चला कि जब मैंने पहले दिया था टॉपिक वाइज पीएनसी का टेस्ट दिया था सबसे पहले, अब 50 में से मेरे से सिर्फ 20 questions बने, और जबकि मैंने एक बार पूरी बुक भी निपटा ली, मैंने एनसीईआरटी भी कर ली, उसके बावजूद मेरे से सिर्फ 20 questions बन पाए थे। तब मुझे अपना लेवल पता चला कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करा। रेगुलर में 2 to 3 tests जरूर देता था, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल थे पहले से उसके अंदर पीडीएफ के। और साथ में मेन प्लस पॉइंट ये भी था मेरा कि अब मैं जो जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आ गई थे, और जब पेपर मेरे हो गए प्रैक्टिकल बीच में मेरे कॉलेज के चढ़ रहे थे, तो साथ में मैंने ये करा था कि अब मैं 8 to 9 hours दे देता था, चाहे मैं रात को 1 बजे तक बैठूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम था, मेरे अंदर टेंशन नहीं थी, मेरा ये था कि मैं ड्रॉप ले लूंगा जैसे मैंने। और सबसे पहले तो निमसेट की अवेयरनेस ही थी, पहले मैंने सबसे पहले आपकी वीडियो देखी थी और उसे मैंने डाउनलोड कर लिया था यूट्यूब से और उसे मैंने रख लिया था कि मैं हर संडे को सुबह देखता था, क्योंकि अब एक से एक वीडियो है। अब उसके बाद बिल्कुल कहीं निमसेट कितना ही पहले सर्च करो, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई, पहले बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। और मुझे कुछ ना कुछ आगे करना था, क्योंकि सिर्फ बीएससी डिग्री से आजकल उस लेवल की जॉब्स नहीं हमें प्रोवाइड हो पाती है। तो फिर मैंने जनवरी से स्टार्ट करा अपना और कंसिस्टेंसी के साथ करा, साथ में मैंने ये रेगुलर करा था कि इम्पेटस के जो इम्पेटस में मेन प्लस पॉइंट मुझे ये लगा टेस्ट सीरीज में कि अगर आज कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुआ है या टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ है तो उसके सोल्यूशन नेक्स्ट जो प्रोवाइड कर जाएंगे, जैसे अगर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का टेस्ट है तो उसमें ये मेरे को टाइम मिल जाता है। एक तो टेस्ट एनालिसिस अपने पूरा बता देते हैं कि ऐसा पूरा बनाना है पूरा अपना, और एनालिसिस का टाइम मिल जाता था मेरे को। और साथ में मैं जो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमसे टेस्ट में नहीं बन पाते लेकिन होते ईजी है बहुत, हमसे बाद में बन जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है। जैसे अगर मेरे से टेस्ट में 50 में से 30 बन गए मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और 40+ questions मेरे से ऐसे बन जाते थे एंड में टेस्ट के बाद, मैथ्स में प्रोवाइड में मेन कह रहा हूँ। और मैंने, और जैसे आपने उसमें बताया था आपने सेशन में भी, यूट्यूब में भी आपने बता रखा है कि मैथ्स के बाद ही रीजनिंग को उठाना है, मैंने भी प्रॉपर यही करा, मैंने पूरे एक बार ये, और मैंने फिर एडिशनल ऑब्जेक्टिव मैंने मार्च तक 3 times टोटल पूरी मैंने रिवाइज कर ली थी। एक ही बुक को उठाना है, उसी को 2 to 3 बार रिवाइज करना, चाहे कोई सी बुक पिक करिए। मैंने खरीदी बहुत सारी थी, मैंने एम एल कर में खरीदी थी, मैंने सेल्स को भी खरीद रखी थी, मेरे पास अरियंत की एमजे गाइड है वो भी खरीद ली थी मैंने, लेकिन वो सब पूरी की पूरी रह गई, ऐसी नहीं कि नहीं।
सिर्फ आर्टिज्म ऑब्जेक्टिव करी मैंने, और साथ में फिर मेरे ये होता है कि टेस्ट सीरीज तो बहुत मेन थी, और मेन में टेस्ट सीरीज क्या करता था कि जैसे चाहे मेरे को क्वेश्चन का आंसर रहता हुआ, जैसे कुछ क्वेश्चन जो थे वो रिपीट भी होते, जैसे एमसेट में भी रिपीट होते हैं, ऐसा तीन क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो मुझे अगर आंसर रहता भी हुआ है ना, मैं पहले सॉल्व करूंगा डेस्क पर बैठ के, उसके बाद क्वेश्चन टिक करूंगा, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही बस ऐसे ही टिक कर दिया मैंने और आगे निकल गया हूं। फिर मैंने मार्च तक अपना मैथ्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग करी, रीजनिंग मेनली पीवाईक्यू से हो गए थे, उसमें भी आपने टेस्ट दे रखे थे पूरे, और आपने तो एंड में बिल्कुल अच्छे से टेस्ट प्रोवाइड करे भी थे, पजल्स के और बाकी बहुत सारी चीजों के, क्वांट के भी पूरे टेस्ट आपने प्रोवाइड करे थे, और कंप्यूटर को मैंने पूरी टेस्ट सीरीज से करी, कंप्यूटर मैंने मेन ऐसे यूट्यूब से पीवाईक्यूज देखे थे, और आपकी टेस्ट सीरीज में पूरे पीवाईक्यूज से, और मेन पीवाईक्यूज से करी मैंने। और आपने एक और चीज इंग्लिश के लिए बोली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, कि जैसे मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मेरी अभी भी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ ग्रामर वगैरह पढ़ रहा हूँ, फिर सिलेक्शन हो गया मेरा उसके बाद, तो मैंने इनसेट में इंग्लिश में कोई भी अपना टाइम नहीं दिया, और ये मेरे प्लस पॉइंट हो, क्योंकि जैसे मेरा सिलेक्शन जब मेरा वहां पे निपसेट एग्जाम भी हो गया था, तो मेरी जब बातचीत होती तो वहां पे इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश को आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट दे दिए, मतलब अपना टाइम वेस्ट करा, क्योंकि मैथ्स में तो टाइम अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने बोला था कि मैथ्स और रीजनिंग में अगर हम मेन ध्यान भी दे दें तो उससे भी हमारा नेम सेट क्लियर हो जाएगा, मेरा मेरा मेन मैथ्स और रीजनिंग था, उसके बाद ही मेरा कोई इंग्लिश जो कि ऑफकोर्स टाइम भी बचा था मेरे पे। फिर साथ में मैंने ये करा था कि, और हाँ एम्बेडस की, एम्बेडस बिल्कुल की मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि एंड मौके तक पूरा साथ नहीं छोड़ा एम्बेडस ने, कि मुझे ऐसा लगा कि मई के बाद मुझे लग रहा है कि फिर से टेस्ट सीरीज करनी पड़ जाएगी जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तो एम्बेडस ने पूरा साथ में रहा हर वक्त, और ऊपर से सर आपने जो एंड में सारे सेशंस किए हर वीक में पूरा, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसा हो गया, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और उत्तर प्रदेश में इतने केसेस आते हैं कि मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है, बस साथ में बीएससी एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए थे, तो इस वजह से आप जो मोटिवेट कर रहे थे आप कि साथ साथ में कि कैसे करना है, आप पूरा स्टडी प्लान बता रहे थे, आपने पूरे एक अलग से टेस्ट सीरीज में शुरुआत करी, और फिर एंड में आपने रिविजन के लिए अलग से एक और टेस्ट सीरीज कर दी उसी के अंदर ही, तो मतलब टेस्ट तो मेरे कुछ टेस्ट छूट गए एंड में, इतने सारे टेस्ट सीरीज थे जितने, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे टेस्ट होंगे, और एंड में टेस्ट छूट भी गए कुछ इतने सारे टेस्ट, और मैंने मेन क्योंकि एंड में होता गया, एंड में स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है कि बुक तो आप उठा नहीं सकते, कोई पर्सन नहीं उठा सकता बुक, चाहे आप लिखवा लो टॉपर से टॉपर पढ़ना भी कुछ होगा, वो भी एंड गाइड सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो एंड में सिर्फ सिर्फ टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड में मैं क्या करता था कि जब बिल्कुल लिमिटेड से 15-20 डेज पहले मैंने ये करा था कि बस जो टेस्ट ही रहे, आपने आपने क्या करा था, आपने कुछ चुनिंदा टेस्ट रिविजन मॉक टेस्ट के उसमें रख दिए थे जो पहले हो चुके थे टेस्ट, तो उसको ही मैं रात को दे देता और सुबह में दो टेस्ट देता था, सुबह एक 10 बजे से बैठ के दे दिया टेस्ट, एक 2 से 4 दे रहे थे क्योंकि वो मेन लिमिटेड का टाइम था, और एक रात को मैं देता था, तो रेगुलर के 3 टेस्ट देने, उसे एनालिसिस करना, एंड 15-20 डेज मैंने सिर्फ यही करा, और बस इसी दिन मेरा पूरा क्लियर हो गया। रविंद जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बात है, क्या होता है जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो कई बार कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, जैसे आपने जैसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और एक और बात है इम्पीटस की टेस्ट सीरीज अपने आप में कितनी पावरफुल टेस्ट सीरीज है, जो कई जगहों की क्लास नहीं होती, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको कई सारी लाइव क्लासेस बाद में तो रेगुलर क्लासेस तक मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं चीजें अपने लिए बोनस हो जाती है, दूसरा हम रेगुलर हो जाते हैं। पर मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूं कि आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ऑनलाइन कोर्स कर लो, कंसेप्ट क्लियर है टेस्ट सीरीज कर लो, पर क्या होता है कि एक रेगुलरिटी बन जाती है, और उसका देखो आपको फायदा मिला क्योंकि आप लगातार टेस्ट देते रहे और अपना एनालिसिस करते रहे, तो आपको ये ड्रॉप आपका बच गया, मतलब अगर मान लीजिए आप ये एक्शन नहीं लेते और सपोज रैंक नहीं आती, तो कई बार हमारे हम ड्रॉप ईयर तक पहुंच जाते हैं, कई बच्चे सोचते हैं ठीक है चल रहा है, पर आपने गलती नहीं की, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि आपका क्योंकि कॉलेज का भी था और साथ में एमसीए की पढ़ाई भी की, तो आपका मैंने पूरा आपने बहुत अच्छे से चीजें डिटेल में बताई, आपका कितना स्कोर हुआ इसमें लगभग, क्योंकि हर बच्चा स्कोर जानना चाहता है, आजकल कई बच्चों से मैं पहले पूछता नहीं था तो वो कमेंट्स में लिखा था, तो मैंने सोचा बच्चों से पूछ लिया करूंगा, तो आपका कितना स्कोर था? सर मेरा 569 था एग्जैक्ट स्कोर, और मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट करे थे 40, जिसमें से मेरे 34 सही गए थे, 6 गलत गए थे, मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट करे थे 29, जिसमें से मेरे 25 सही थे, 4 इनकरेक्ट थे, बाकी इंग्लिश और कंप्यूटर में ये हुआ था कि मेरा पैनिकनेस बढ़ गई थी एकदम, तो मैंने मतलब कामनेस एकदम चली गई थी, क्योंकि निमसेट का जो मेन होता है वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा ही हो जाता है, तो तब मैंने फिर उसमें फिर मैंने गैसिंग करी थी, तो गैसिंग में मेरे इंग्लिश में पॉजिटिव आए थे 25 मार्क्स, से बहुत खुश था,
और कंप्यूटर में मेरे क्या हुआ था कि मेरे 3 क्वेश्चन तो आते थे, बाकी जो इस बार थोड़ा सा कंप्यूटर का लेवल भी आ गया था, तो इस वजह से ये हुआ था कि मैं एकदम वही पैनिक हो गया था, तो इस वजह से मेरे कंप्यूटर में प्लस 10 मार्क्स आए थे। ओवरऑल मार्क्स मेरे 569 बने थे आउट ऑफ 1000। वेरी गुड। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में थोड़े आपके गलत ज्यादा हो गए, पर जैसे अभी आपने एक बात बोली ना, अभी जैसे मैंने अब बच्चों के रेगुलर सेशन लेता हूँ, तो जिन बच्चों का मैं बोलता हूँ इंग्लिश स्ट्रांग है वो कर लें, जिनका वीक है वो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार हमें ना इस कंफ्यूजन में रहते हैं करें कि ना करें, तो ये डिसीजन भी आपका बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में होते हैं? कई लोग सोचते हैं हम फाइनल के साथ तैयारी करेंगे, फाइनल ईयर कर लें कर लेंगे, मतलब सोचते ही रहते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि साथ में आप तैयारी शुरू करिए, बेसिक बुक जैसे ही कर ली, जैसे मैंने क्या गलती करी थी, मैंने पूरी आर्टिस्ट को ऑब्जेक्टिव पूरी गाइड निपटा ली, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट ज्वाइन करी। आप साथ में जैसे आपके मैजिक टेस्ट भी आप एक बार टेस्ट देके देखें, उसके बाद आप अपना लेवल देखें और फिर साथ में आप टेस्ट करें, क्योंकि देखो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एट द एंड अगर आप कुछ कर लेंगे, जैसे अब मेरा ये था कि मेरा पूरा पक्का था कि मैंने ड्रॉप लेने लेना है, बस मैंने फिर भी मेहनत कर ली, मैंने कहा देख ले रहे हैं एक बार अपनी तरफ से करके देख ले रहे, अगर नहीं हुआ तो फिर ड्रॉप में तो फिर पूरी मेरे को कोचिंग लेनी थी, क्योंकि अब एक साल से ज्यादा फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत करिए और समथिंग इज बेटर देन नथिंग ये जरूर ध्यान में रखिए, और एक टू डू लिस्ट जरूर बना ले, एक दिन पहले रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना ले और उसे पूरा ही सॉल्व करें, मतलब पूरा आप उसमें ज्यादा टास्क मत रखें, 4-5 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 5 टास्क रखें और जरूर करें, मेहनत तो जरूर करें, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है इतना, वो तो सब कुछ एग्जाम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है रविंद। देखो आपने मन मेरे पास जब फाइनल ईयर के बच्चे बात करते हैं ना, जैसे अभी रेगुलर ज्वाइन होते रहते हैं बच्चे, तो वो यही बोलते हैं सर टाइम कम बचा, हम तो सोचते हैं ड्रॉप लेंगे, बोलता हूँ सोच लेना ड्रॉप लेना है, पर अगर ये 6 महीने मेहनत कर लोगे तो ड्रॉप लेना है या नहीं ये डिसीजन भी रिजल्ट के बाद डिसाइड हो जाएगा। दूसरा, मान लो रैंक आ गई तो कॉलेज मिलेगा, और रैंक नहीं आई तो जो सीखोगे वो ड्रॉप में जीरो नहीं होगे, नहीं तो फिर पता चला एक और ड्रॉप की जरूरत पड़ जाए। तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन था और बहुत अच्छा आपने तरीके से मैनेज किया चीजों को। तो रविंद, अब आप ऐसे ही NIT कैलीकट में भी परफॉर्म करिएगा अच्छे से। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू।